तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपके सामने एक ऑल्टरनेटर लाया हूँ, जो कि इसका ऑल्टरनेटर ना काम करना बंद कर दिया है। तो ऑल्टरनेटर काम करना जो बंद किया है, तो इसमें ऑल्टरनेटर में ज़्यादातर दो तीन ही फॉल्ट आता है। एक तो पुल्ली का स्लिप हो जाना और दूसरा ब्रश का घिस जाना। तो चलो सबसे पहले पहला फॉल्ट जो है अपना यहाँ दिख रहा है, देख पा रहे हैं पुल्ली इधर भी घूम रहा है, दोनों साइड घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है। तो इसमें मैं पुल्ली चेंज करने वाला हूँ, प्लस नीचे की बैरिंग चेंज करने वाला हूँ और इधर का बरस भी चेंज करने वाला हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, तो वो सब चीज़ें मैं ये वीडियो में मेंशन करूँगा। तो सबसे पहले ये इसको खोलना है आपको, ये तो ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, मैंने खोल के रखा है। ये खुल गया, अब इसको पलटी मार देना है अपने को, इसके ऊपर होल्ड कर देना है। उसके बाद जो देख पा रहे, एक दो तीन, तीन आठ नंबर दिया है, तो तीनों आठ नंबर को खोलना है। तो तीनों आठ नंबर मैं खोल लेता हूँ। तो ये जैसे ही तीनों बोल्ट खोलेंगे, खोलने के बाद ये अपना इजीली निकल जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा लॉक में, एक दो लॉक में बैठा रहता है, लॉक निकालेंगे। निकल गया ये। तो अब अपने को खोलना क्या है, ये आठ नंबर का, एक दो तीन चार, टोटल चार बोल्ट है, चारों बोल्ट खोलना है अपने को आठ नंबर वाला। तो चारों बोल्ट खोलता हूँ, फिर ये इसको दोनों बॉडी को अलग करता हूँ। तो फाइनली चारों बोल्ट खोल चुका हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये पुल्ली को निकाल देता हूँ और इसको थोड़ा हैमर की सहायता से इसको ठोकता हूँ। ज़रा ठोकेंगे तभी निकलेगा ये। तो ज़रा मैं इसको हैमर से यहाँ से ठोकूँगा और यहाँ से थोड़ा अलग करूँगा, तो ये दोनों बॉडी अलग हो जाएगा। तो चलो मैं इसको अलग कर लेता हूँ। तो फाइनली हैमर से थोड़ा सा मैं इसको अलग कर लिया हूँ। अलग करने के बाद ये अपना ईजीली निकल गया। अब ये रही रोटर, तो आप इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, ना निकालेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं निकालना है इसको। तो क्योंकि अपने को ये ब्रश चेंज करना है सिर्फ, तो ब्रश चेंज करने के लिए इधर से तो दोनों बोल्ट खोलेंगे तो हो जाएगा अपना ये ब्रश वाला। तो सबसे पहले मेरे को ये बैरिंग चेक करना है कि बैरिंग में आवाज़ है या नहीं। तो बैरिंग सही लग रहा है मेरे को, अगर बैरिंग में अगर आवाज़ रहता तो ये बैरिंग भी चेंज कर देते हैं। बैरिंग चेंज करने के लिए एक दो तीन चार स्क्रू है, चार स्क्रू खोलते हैं। चारों स्क्रू खोलने के बाद ये बैरिंग इजीली निकल जाता। तो चलो मैं बैरिंग रिप्लेस करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो चारों स्क्रू मैं खोल देता हूँ। तो फाइनली तीनों चारों स्क्रू खोल दिया हूँ ऊपर का, अब ये निकल जाएगा। अब आप इसको इधर से ठोक के भी निकाल सकते हैं, इधर से चोट देंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैं इसको वैसे ही निकालूंगा इधर से, थोड़ा हथौड़ी से इसको हैमर से हैमरिंग करूंगा और ये निकल जाएगा। और दूसरा फर्स्ट अपॉन ये स्क्रू जब भी आप खोले ना, तो इसको थोड़ा सा चोट डाल के हैमर करके ही खोलना, नहीं तो बाद में खुलता नहीं, स्लिप हो जाता है फिर। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। वैसे बैरिंग सही है इसका, लेकिन बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ताकि आपको भी समझ में आ जाए कैसे कैसे निकलता है। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो फाइनली बैरिंग निकल गया। और इस तरफ इसको सबसे पहले, बैरिंग निकालने से पहले इसको लेवल कर लेना आप, क्योंकि इधर से जब आप चोट मारेंगे ना, तो हो सके ये लेवल ना रहे तो ये टूट जाए, क्योंकि ये कास्टिंग का रहता है, इस वजह से संभाल के खोलना। तो ये भी इसका बैरिंग, तो मैं नया बैरिंग दिखा देता हूँ आपको। ये रही अपना न्यू बैरिंग, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटर है ना टोयोटा की है, टोयोटा की लगभग गाड़ियों में आती है, मैं गाड़ी का नाम नहीं बता सकता हूँ। कॉमन गाड़ी फॉर्चूनर हो गया, उसके बाद यारिश हो गया, बहुत सारी टोयोटा की गाड़ी है जो कि ये टोयोटा की गाड़ी में लगता ही है ये अल्टरनेटर, कॉमन है ये। तो चलो मैं ये बैरिंग निकाल देता हूँ। और गाइस ये सब चीज़ें ना मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आप खुद कर सकते हैं ये सब काम, बस और कुछ नहीं। बस मेरे चैनल में आपको यही चीज़ें जानकारी मिलेगी जो कि आपको करना लाजिम है। आप अगर एसी टेक्नीशियन हो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको करना लाजिम है,
एसी टेक्नीशियन हो या इलेक्ट्रिशियन हो, दोनों को ये काम करना ही पड़ेगा। और आपको नॉलेज होनी चाहिए बस, कौन सा कैसा क्या पार्ट्स रहता है, नहीं रहता है, किस तरीके से रहता है। तो इसमें मैं और भी एक, ये डायोड प्लेट है ये ऊपर की, चलो सबसे पहले बैरिंग फिटिंग कर देता हूँ मैं, फिर वो डायोड प्लेट में लेके जाता हूँ मैं, बैरिंग फिट कर देता हूँ। ये रही न्यू बैरिंग, और न्यू बैरिंग लगाने से पहले आप इसमें थोड़ा ग्रीसिंग कर दें ताकि यह डालने टाइम इजीली चला जाए। ग्रीस डालने के बाद कुछ इस तरीके से मैं, ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये ग्रीस है, डालने के बाद इसको आप को ऐसे डाल देना है। डालने के बाद इसके ऊपर दूसरा बैरिंग रख देना है और इसको हल्का हल्का हैमरिंग करना है, या फिर इसको कूलर में बैठाएंगे तो भी, कूलर भी अपने पास, सॉरी ये प्रेस मशीन भी है पर उसमें नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें ही दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाइयों के पास नहीं भी रह सकता है प्रेस मशीन। देख पा रहे हैं लेबल में इसको हैमरिंग करना है अपने को, इस तरफ देख ले, लेबल आ चुका है इसका, मतलब बैरिंग प्रॉपर बैठ चुका। तो अब इसके ऊपर का कवर में लगा देता हूँ, ये रहा पट्टी, मैं सब इसको बैठा देता हूँ, चारों इसको, एक दो तीन चार, तो चलो फिर चारों स्क्रू फिट करता हूँ। तो फाइनली ये फिट हो गया, तो चलो इसको मैं इसके ऊपर डाल ही देता हूँ क्योंकि अपने को ये तो चेंज करना नहीं है। फिर नीचे का इसको पोजीशन में देख करके आप बैठा दें इसको, ये लेबल में आएगा, ये आमने सामने लेवल में आएगा तो बोल्ट का होल भी मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलो मैं इसका बोल्ट डालता हूँ, बोल्ट फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली फिटिंग कर दिया हूँ इसको, देख पा रहे हैं फिट हो चुका। तो अभी पुल्ली को, ऊपर की पुल्ली को तो नहीं लगाता हूँ, या फिर लगा दूँ तो भी चलेगा, ना लगाऊँ तो भी चलेगा, पुल्ली लगा देता हूँ पहले। ये रही पुल्ली अपना न्यू पुल्ली है, ये एक ही साइड से घूमेगा, एक साइड से फ्री रहता है और एक साइड से ये अल्टरनेटर को लेके घुमाता है, अंडर अल्टरनेटर के अंदर की जो शाफ्ट है ना उसको लेके घुमाने का काम करता है ये, एक साइड से फ्री रहना मांगता है। तो ये क्या हो गया था, दोनों साइड से फ्री हो गया था, देख पा रहे हैं इधर से भी घूम रहा है इधर से भी, दोनों साइड से घूम रहा था। तो ये अंदर की जो शाफ्ट को है ना घुमा नहीं पाता था, इसकी वजह से करंट जनरेट होता नहीं था। तो चलो मैं इसको टाइट कर देता हूँ, इसको टाइट करने से पहले अब ब्रश खोल लेता हूँ इसका। ये रही स्क्रू, और ये स्क्रू कभी भी खोलें आप, कार्बन की स्क्रू, कार्बन ब्रश की, तो हैमर करके खोलें, थोड़ा सा चोट डाल दें स्क्रू ड्रायर से हथौड़ी से, फिर उसके बाद खोलें क्योंकि ये स्लिप हो जाता है बहुत जल्दी। तो चलो इसको मैं खोल देता हूँ। तो ऊपर के दोनों स्क्रू तो मैं खोल चुका हूँ, अब इसको निकालते हैं, देखते हैं कार्बन ब्रश ख़राब हुआ है क्या नहीं। देखिए उतना तो ख़राब नहीं हुआ है, हल्का सा ख़राब हुआ है, लेकिन इसका जो मसला था वो अपना पुल्ली में ही था, पुल्ली एक साइड से घूम रहा था, एक साइड से नहीं घूम रहा था, यानी दोनों साइड से घूम रहा था इसकी वजह से। तो गाइज अब एक समझने वाली बात आपका यहाँ है, यहाँ समझने वाली बात एक ये है कि ये डायोड प्लेट जो है ना, डायोड प्लेट को जितना समझो ना आप उतना कम है। और प्लस दूसरी बात, ये करंट कैसे पैदा करता है, क्या आप इसको डायरेक्टली घुमाएंगे पुल्ली को तो ये करंट देने लगेगा? नहीं गाइस, ये पुल्ली को आप घुमाएंगे तो करंट देगा नहीं, जब तक कि इसको बाहर से करंट ना दिया जाए अब तक ये करंट पैदा नहीं करता है। बस इतना कॉमन आपको दिमाग में रखना है। आप अगर ऐसे चेक करेंगे, इसको डायरेक्ट पुल्ली से घुमाने लगेंगे तो ये करंट दे दे अपने को, पुल्ली को घुमाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जब तक इसको करंट नहीं देंगे, करंट दे करके ये जो
सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को यानी जो अंदर की रोटर जो रहती है, रोटर में जो वाइंडिंग लगी रहती है उस रोटर को करंट दिया जाता है। जब उस रोटर को करंट दिया जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो फर्स्ट कॉइल, जो ये वाला कॉइल देख रहे हैं, ये उस मैग्नेटिक फील्ड को एग्जॉर्ब करता है, एग्जॉर्ब करके फिर करंट को ट्रांसफ़र करता है डायोड में, डायोड प्लेट में। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो टर्मिनल हो जाते हैं इसमें। ये तो अल्टरनेटर करंट पैदा करता है, फिर ये डायोड प्लेट की वजह से डायोड प्लेट इसको रेक्टिफायर करता है, सॉरी डायोड प्लेट इसको कभी नेगेटिव पॉजिटिव पोल में चेंज करता है। चेंज करने के बाद फिर ये करंट अपने बैटरी में आता है। कब इसको मॉनिटर कौन करता है? ये जो अपन यहाँ पे ब्रश लगाते हैं ना, यही चीज़ें मॉनिटर करता है इसको, कितना करंट देने का, कितना करंट भेजने का है। ये तो छोटी छोटी गाड़ियों में उतना दिख समझ में नहीं आता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों का कॉम्प्रेसर या अल्टरनेटर खोलेंगे तब उसमें हर एक चीज़ का वायरिंग दिया हुआ रहता है, फिर समझ में आता है। मैं ये वायरिंग, ये गाड़ी का वायरिंग इसकी वजह से इसका दिखा रहा हूँ ताकि छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। बस बस आपको अभी पहले डायोड प्लेट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, पहले ये खोलना, फिटिंग करना, ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। बाकी ये इसको जितना समझो आप उतना कम है। चलो फिर इसमें ब्रश डालता हूँ मैं। तो न्यू वाला ब्रश ये है। इसमें ब्रश डालने से पहले आपको ऐसा वाला पिन लेना पड़ेगा, पिन लेकर के इसके अंदर डालना पड़ेगा, डाल के ये कार्बन ब्रश को इसमें ये लेवल में लेके आना है। तो चलो इसको लेके आता हूँ, और इससे पहले इसको थोड़ा ब्रश से घिस देना है, फाइल से, पॉलिश पेपर से घिस देना है। तो चलो इसको मैं इसमें डालता हूँ। तो इसको देख पा रहे हैं आप, मैं इसमें पिन डाल करके ये ब्रश को अंदर की पूरा लेवल कर दिया हूँ ताकि ये इजीली इसमें चला जाए। तो चलो इसमें इंसर्ट कर दिया मैंने भाई, क्या हाल है? तो फाइनली ये फिट हो गया। अब ये दोनों स्क्रू लगा देता हूँ इसका। तो फाइनली ये फिट हो गया, तो इसके ऊपर का कवर डाल देता हूँ मैं अब। तो फाइनली पीछे का सब फिट हो गया, अब ये अल्टरनेटर सही हो गया। अब इसमें कुछ मसला नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे करेगा। तो गाइस बस यही चीज़ें हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, और जो चीज़ें मैं आप सीख चुका हूँ वो चीज़ों आप लोगों को तक पहुँचाऊँ, बाकी और कुछ नहीं। और आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, बस और बाकी कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।